हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीकैब शेयर के ऊपर। डिटेल में हम लोग देखेंगे स्टॉक में नेक्स्ट हम लोगों का क्या टारगेट होना, आगे कैसे प्लान करना है स्टॉक के लिए, लोगों को फ्रेश पोजीशन कब बनाना है, अगर हम लोगों के पास है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सभी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ मिलेगी और साथ ही साथ आपको स्टॉक्स के लेवल भी मिल जाएंगे जो आगे आपका क्या प्लान होना चाहिए। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को आपको स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें पॉलीकैब शेयर के ऊपर, आज जो है यहाँ पे 4.25% के गिरावट के साथ जो है ये स्टॉक आपको क्लोज हुआ है, 2315 पे आपको क्लोज हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट वन मंथ में जो है बहुत ही इंटेंस सेलिंग हम लोगों को नहीं देखने को मिला है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से जो है आपको 2820 के लेवल से जो है एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे हो चुका है। तकरीबन देखेंगे लास्ट वन मंथ में जो है आपको 5% नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपको एक निजेड लेवल ब्रेक होता हुआ क्लियरली लास्ट वन मंथ का यहाँ पे दिख रहा है। 2400 का लेवल था यहाँ पे कि आपको स्टॉक कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा था, थर्ड अटेम्प्ट में स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सिक्स मंथ बात करें तो जो है स्टॉक ऑलमोस्ट उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ज्यादा रिटर्न जो है स्टॉक ने लास्ट सिक्स मंथ में नहीं बना के दिया है, लास्ट वन ईयर की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक जो है यहाँ पे 32% ऊपर जो है अभी भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्लियरली अगर देखेंगे तो सितंबर से जो है आपको स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आपको चार्ट पे, चार्ट क्या कुछ बोल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट में क्लियरली स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन दे दिया। अगर देखेंगे 2345 के नीचे स्टॉक ने आपको एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है। ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद आपको रिटेस्ट किया, स्टॉक ऊपर की साइड एक अच्छा मोमेंटम किया, अगेन यहाँ पे आपको स्टॉक इसी लेवल से सपोर्ट किया, वापस से बाउंस बैक किया, सेम इसी लेवल से सपोर्ट लिया, वापस से बाउंस बैक किया, और फाइनली जो है आपको यहाँ पे फोर्थ अटेम्प्ट में स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। नीचे की साइड अगर देखेंगे तो एक हम लोगों को डाउनवर्ड स्लोप का जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ज्यादा क्लियर व्यू के लिए, हम लोग सबसे पहले चलते हैं आपको मंथली चार्ट पे, और मंथली चार्ट पे अगर हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो क्लियरली हम लोगों को एक चीज दिखता है जो 2020 से आपको स्टॉक 500 रुपीज से ऊपर की साइड हाई लगाया है 2820 का। तो स्टॉक ने यहाँ पे मोर देन 500% का रिटर्न जो है स्टॉक यहाँ पे ऑलरेडी बना के दे दिया है। और बीच में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कहीं भी स्टॉक ने आपको एक अच्छा पुल बैक नहीं लिया है, तो लास्ट आपको 7 to 8 months से क्लियरली स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग ब्रॉडली इस रेंज को देखें तो ऊपर की साइड 2800 का लेवल है, 2750 2800 का लेवल, और नीचे की साइड जो है आपको 2130 का लेवल है। इस ब्रॉडर रेंज में स्टॉक जो है यहाँ पे आपको लास्ट के 9 to 10 months से क्लियरली यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, इसी रेंज में जो है स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मोस्ट लाइकली अगर यहाँ पे 2100 का लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। रीजन क्या है, ऑलरेडी स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे बना के दे दिया है, तो स्टॉक में एक करेक्शन यहाँ पे ड्यू है, और ये कंसोलिडेशन जो है क्लियरली यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है जो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है। बहुत से यहाँ पे रिटेलर जो है इस स्टॉक को 2000 के लेवल के ऊपर बाई कर रहे हैं, और यहाँ पे वो लोग एक बार भी ये चीज नहीं देख रहे हैं जो स्टॉक में यहाँ पे अभी करेक्शन ड्यू है, और यही वजह है जो यहाँ पे जितने आपको FII DII हैं ऊपर के लेवल पे वो लोग जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे धीरे धीरे अपने पोजिशन को रिड्यूस कर रहे हैं। और क्लियरली अगर हम लोग देखेंगे तो अगर 2100 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो स्टॉक में एक मेजर फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को आपको 1500 टू 1700 के लेवल तक लेके जा सकता है। ऊपर की साइड तेजी कब होगी, जब तक आपको इस लेवल के ऊपर 2700 के लेवल के ऊपर एक अच्छा मंथ कैंडल क्लोज नहीं होता है, हम लोगों को इस स्टॉक में जो है ऊपर की साइड एक अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है।
तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्लियरली आप एक चीज को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, जो अभी आपको यहाँ पे बाई का पोजिशन तो यहाँ पे नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप आपको जैसा मैंने मंथली चार्ट में दिखाया, क्लियरली अगर आप वीक चार्ट में भी देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत ही ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पे बिल्कुल नेकेड आई से भी दिख रहा होगा, जो स्टॉक क्लियरली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की साइड जो है 2750 का लेवल है, नीचे की साइड 2150 का लेवल है। तो इस 600 पॉइंट के ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और नीचे की साइड जो है स्टॉक मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी यहाँ पे हिट कर चुका है, 3 times ऑलरेडी हिट कर चुका है। अगेन यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, अगर यहाँ पे वापस से 2150 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको पहला सपोर्ट मिलेगा 1750 पे, और दूसरा सपोर्ट जो है यहाँ पे 1400 से 1500 के लेवल पे मिलेगा। तो स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा करेक्शन हो सकता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे बाई पोजीशन बनाना चाहते हैं, आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, आपको और नीचे लेवल पे मिल सकते हैं। तेजी का पोजीशन हम लोग कब बनाएंगे? तेजी का पोजीशन तब बनाएंगे जब आपको स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि अभी मोस्ट लाइकली स्टॉक में एक भी रिट्रेसमेंट मंथली चार्ट पे नहीं हुआ है। मंथली चार्ट पे रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसके बाद ही जो है स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम वापस से हम लोगों को देखने को मिलेगा। 1 to 2 days में ये लेवल नहीं आएंगे, इस लेवल को आने में टाइम लगेगा। यहाँ पे जो है स्टॉक हम लोग वीकली और मंथली चार्ट पे देख रहे हैं, तो स्टॉक में जो है आपको यहाँ पे लेवल्स जो है हो सकता है 1 to 2 months के बाद आए, या इवन 3 to 4 months में भी आए, लेकिन स्टॉक स्लो एंड स्टडी नीचे की साइड एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। बिल्कुल यहाँ पे जो है आपको अपोलो हॉस्पिटल का केस दिख रहा है, या फिर हम लोग बोले इंडिया मार्ट की तरह यहाँ पे जो है केस आपको दिख रहा है। स्टॉक ने एक अच्छे रिट्रेसमेंट के बाद बहुत एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद आपको बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट दिया है। बिल्कुल उसी तरह का पॉलीकैब में भी हम लोगों को मूवमेंट दिख रहा है, यहाँ पे भी एक अच्छा करेक्शन हो सकता है। तो इसलिए बेटर है अगर आपको यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाना है, वेट कीजिए एक अच्छे करेक्शन का, उसके बाद जो है आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए देख सकते हैं। और कंटिन्यूसली स्टॉक में जो है ऊपर के लेवल से एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे वेट करना चाहिए। नीचे की साइड अगर यहाँ पे 2100 का लेवल जब तक नहीं ब्रेक होता है, तब तक जो है हम लोगों को नीचे की साइड एक अच्छा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए वेट कीजिए, अगर 2100 का लेवल ब्रेक होगा तभी जो है आपको नीचे की साइड 1700 का लेवल जो है हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर वापस से यहाँ से आपको बाउंस बैक कर जाता है तो आप यहाँ पे बाई पोजिशन बनाने के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे आपका टारगेट जो है ऊपर की साइड 2700 का लेवल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जितनी बार भी आया है स्टॉक यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल बनाया है तो उसके बाद जो है आपको अपर चैनल को हिट करने के लिए जरूर गया है। सेम यहाँ पे भी अगर देखेंगे स्लो एंड स्टडी इस लेवल से आपको अपर चैनल को जरूर हिट किया है। तो यहाँ पे भी अगर आके स्टॉक में एक बुलिश कैंडल बनता है तो यहाँ पे वापस से जो है स्टॉक अपर चैनल को हिट करने जा सकता है। तो आप जो है इन बिटवीन यहाँ पे पोजिशनली प्ले कर सकते हैं, चैनल पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं वीकली बेसिस पे, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी आपको यहाँ पे बाई पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, आपको और नीचे का लेवल जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। धन्यवाद।